और चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर सर्किट हाउस में हुई निर्दलीय विधायकों की बैठक की, जिसमें विधायक संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, रमीला खड़िया, सुरेश टांक, खुशवीर सिंह, महादेव सिंह खंडेला, ओम प्रकाश हुड़ला, राजकुमार गौड़, कांति चंद मीणा, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल शामिल हुए। हालांकि विधायक बाबूलाल नागर जयपुर से बाहर होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इधर इससे पहले निर्दलीय विधायकों ने होटल अशोक में बैठक करना तय किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विधायक राजेंद्र गुड़ा पहुंचे हैं तो सर्किट हाउस में ये मीटिंग हुई। आपको बता दें, ओम प्रकाश हुड़ला, रमीला खड़िया, सुरेश टांक, राजकुमार गौड़, आलोक बेनीवाल, खुशबीर सिंह, लक्ष्मण मीणा, कांति मीणा समेत 8 विधायक होटल के गेट से ही वापस लौट गए और इसके बाद निर्दलीय विधायकों ने सर्किट हाउस में बैठक की, जो बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले अशोक होटल में ये बैठक होनी थी, लेकिन उसके बाद ये सर्किट हाउस पहुंची और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, ये बैठक खत्म हो चुकी है, फिलहाल कौन कौन बाहर निकला, किससे आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो निर्दलीय विधायक जिनकी बैठक आज काफी बढ़ते चढ़ते घटनाक्रम के बीच में हुई है, वो खत्म हो चुकी है और अब तमाम जो निर्दलीय विधायक है वो अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और रखेंगे कि किस तरह से आज की बैठक में चर्चा हुई है, क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया है, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी। खासकर जो सियासी घटनाक्रम प्रदेश में लगातार बदल रहा है उसको देखते हुए आज जो मंथन चला है निर्दलीय विधायकों का, उस विधायकों उस मीटिंग में क्या उन्होंने चर्चा की है, क्या इनकी रणनीति बनी है, तो तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे आए हैं मीडिया के सामने, अपनी बात रख रहे हैं। बाबूलाल नागर के पहले नहीं आने की बात थी। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं हम आप आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करेंगे, संयम लोढ़ा इस दौरान मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये बैठक हुई है, बैठक में भी पहले घटनाक्रम रहा, होटल अशोक में ये बैठक होनी थी, फिर राजेंद्र गुड़ा यहाँ पहुँचे और उसके बाद 6 बजे ये बैठक सर्किट हाउस में शुरू हुई, जिसके बाद 7:45 बजे तक ये बैठक खत्म हो गई, यानी पौन घंटा ये बैठक चली है। अब इस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या बात जीत रही, क्या रणनीति बनी है, तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी। संयम लोढ़ा जो इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ सभी निर्दलीय विधायक यहां मौजूद हैं, तो इस सर्किट हाउस में क्या रणनीति आज 6 बजे से 7:45 यानी 7.25 घंटे क्या रणनीति इन निर्दलीय विधायकों की रही, अब इसको लेकर वो प्रेस से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले के घटनाक्रम को भी समझे तो किस तरह से राजेंद्र गुड़ा होटल अशोक पहुंचे और जब होटल अशोक वो पहुंचे, राजस्थान सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों की यह बैठक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए राज्य में पटवारियों एवं ग्राम सेवकों के समस्त रिक्त पद तत्काल भरने का आग्रह करती है। संविदा कार्मिकों को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करने की मांग करती है। गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों एवं बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दिलाने के लिए सभी गैर भाजपा दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ने का आह्वान करती है। भारत सरकार में 15 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है। राजस्थान में COVID-19 की दूसरी लहर में किए गए श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था प्रकट करती है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब हो और कौन इसमें शामिल हो यह तय करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसके लिए समय सीमा बताना और दबाव में काम करने की परिपाटी उत्पन्न करना राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है। अतः सभी तरह के निर्णयों के लिए यह बैठक मुख्य निर्णय उन पर छोड़ती है। धन्यवाद। दबाव कौन बना रहा है संयम जी? दबाव कौन बना रहा है संयम जी, तो बताओ। ये आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा,
कौन बना रहा है इसका मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। खुल के ही बता दीजिए ना। नहीं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये तो आप लोग लिखते रहते हो, आपके माध्यम से हमको पता चलता है। बैठे तो ये भी तय नहीं कर पाए दबाव कौन बना रहा है कौन नहीं। ये तो सर्वविदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दीवार पर इबारत साफ लिखी हुई है। राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा जिस तरीके से वो वहाँ, हमने नहीं सुना उनको। आपने नहीं सुना? मैं अंदर था। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके अंदर मंत्री बनने की छटपटाहट है। किसके अंदर? आपके अंदर। देखिए, ऐसा है कि हम तो कांग्रेस का झाड़ू निकालने वाले लोग हैं, एनएसओआई का पोस्टर चिपकाने वाले लोग हैं। हम में से सभी को, महादेव सिंह जी को, संयम लोढ़ा को, बाबूलाल जी को, राजकुमार गौड़ को, सोनिया गांधी जी कहते कि तुम्हें विधायक के रूप में काम करना है, हम में से कोई मांग करने वाला नहीं है। हम हर तरह के सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं। संयम जी, ये इंदिरा गुर्जर का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हमने नहीं पढ़ा। संयम जी, आज जो बैठक मोटे तौर पर क्या मकसद माना? मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि देश की जनता पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, अराजकता से पीड़ित है, वैक्सीन तक के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए गैर भाजपा दल मजबूती से जनता का नेतृत्व करे, उनके लिए संघर्ष करे और जनता को राहत दिलाए। सचिन पायलट ग्रुप का कहना है ठीक समय है क्योंकि 2.5 साल बीत चुका है, 2.5 साल बाकी। मैंने आपको निवेदन किया है कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। संयम जी, सचिन पायलट खेमे के कुछ लोग हैं, चाहे उसमें मुकेश भाकर लगा लो या फिर इंद्राज गुर्जर लगा लो, उन्होंने सबने कहा है किस निष्ठा की बात करते हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेटों के खिलाफ चुनाव लड़कर के सुनिए, ठीक है, सुनिए, हम लोग जिस दिन चुनाव जीते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें संपर्क किया, स्टेट लीडरशिप ने हमें को संपर्क किया, अगले ही दिन हम उनके घर पर थे और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, स्वयं राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हम सब लोगों को एसोसिएट मेंबर बनाया गया। उसके बाद राजस्थान की सरकार पर संकट आया है, पहले नहीं आया है। इंदिराज गुर्जर, इसलिए सुनिए, नोबडी टू आस्क क्वेश्चन, हमें राहुल गांधी जी ने एसोसिएट मेंबर बनाया है। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर हमने लगातार इस सरकार को मजबूती से ताकत प्रदान की। लेकिन इंदिराज गुर्जर का कहना यह है कि निर्दलीय विधायकों की तो आवश्यकता ही नहीं। He is nobody to comment. He is not above Rahul Gandhi. सैम जी, सवाल सबसे बड़ा, I'm sorry. सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप कांग्रेस का अपने आप को अंग मानते हैं, एसोसिएट मेंबर मानते हैं, तो ये अलग से बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तकनीकी रूप से हम निर्दलीय हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, हम किसी पार्टी को जब तक निर्दलीय विधायक हैं कानून के मुताबिक हम ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और जिसका हम सारे निर्दलीय विधायक पूरी तरह से पालन करते हैं। संयम जी, क्या लगता है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं, फिर से गिराने की साजिश हो रही है? अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर हमने उनको धूल चटाई है और ऐसा कोई मंसूबा रखेगा तो एक बार फिर धूल चटाएंगे। संयम जी, आपको काल्पनिक लग रहा है लेकिन रामकेश जी तो कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, सचिन पायलट जी की बाकायदा भूमिका है, तो खुलेआम कह रहे हैं। कोई मैंने, मैंने मैंने जो कहा, मेरा जो सवाल है वो सवाल जो मीडिया में खबरें आ रही है, जिस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उस उन परिस्थितियों को देख करके मैंने ये बात कही है। और जैसा संयम जी ने अभी कहा कि अगर सरकार को कोई अस्थिर करने की कोशिश करेगा, पहले जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उनको पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और अगर दोबारा कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो पुनः उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कौन कर रहा है अस्थिर सर? सवाल तो ये है, जैसा अभी सीएम जी ने कहा वो स्पष्ट है, वो आप लोग भी जान रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता जानती देश है। में ये परिपाटी शुरू हुई है, किस तरीके से गोवा में सरकार बनी है, किस तरह से कर्नाटक में बनी है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बनी है, किस तरह से मध्य प्रदेश में बनी है, लेकिन ये तो अशोक जी गहलोत का नेतृत्व था कि राजस्थान में उनको घुटने टेकने पड़े, और हम पूरी तरह सजग हैं। यदि फिर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो आप यकीन मानिए हम राजस्थान का माथा नीचा नहीं होने देंगे। आप सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं?
निर्दलीय हैं वो अशोक गहलोत। हमने आपको बताया कि हम तकनीकी रूप से निर्दलीय है, बाकी हम क्या है वो तो हमारे आचरण से आपको पता ही होगा। संयम जी, नहीं टेक्निकल सवाल है कि गहलोत के साथ है या कांग्रेस के साथ है। ये है कि जितना भी प्रेशर सरकार पर या अशोक गहलोत गुट पर बन रहा था, आप लोगों ने ये जो बैठक की है ये उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल नहीं, हम ये चाहते हैं कि आम जनता के हक में सड़क पर लड़ाई लड़ी जाए, उस लड़ाई को धार दी जाए, उस लड़ाई को ताकत दी जाए। आज जिन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 7 साल बाद भी नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और हमने ये चर्चा की। संयम जी, आपने पुलिस की कार्यशैली पर सिरोही में सवाल खड़ा किया, मुकेश बाकर भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी मानते नहीं है, तो पीड़ा तो एक ही है। ऐसा है कि सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बाकी जस्टिस मुल्ला ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने अपने जजमेंट में कहा था पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, तो सभी तरह के लोग हैं, 10-15% लोग इस तरह के हैं उनके सिस्टम में, जो मैं खुद डीजीपी को 4 महीने पहले जब उनसे मुलाकात हुई तब व्यक्तिगत बता चुका था। उन्होंने क्या कहा भाकर ने वो मैंने नहीं सुना, संयम लोढ़ा जी मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ। मेरा 2 सवाल है आपसे, पहला सवाल तो यह है, तो क्या जब आप लोग बोल रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ करें, तो क्या अशोक गहलोत के ही कहने पे आप लोग सिर्फ खाली कूटनीति रचे हैं, उन्हीं की ये कूटनीति का ही परिणाम आप लोग दे रहे हैं? वो कूटनीति रचते ही नहीं है, वो तो कोविड पेशेंट होने के बाद भी, पोस्ट कोविड डिफिकल्टी होने के बाद भी राजस्थान के लोगों की रात और दिन खिदमत करने में लगे हुए हैं, उन्हें इन षड्यंत्रों के लिए टाइम नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे। और पूरी देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना कि उनका कोविड मैनेजमेंट सर्वश्रेष्ठ था। कांग्रेस है राजस्थान में और कोई नहीं, तो इसमें क्या हर्ज है? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 साल, आप एक बात सुनिए, आप लोग कहते हैं कि 13 के में 21 सीटें आ गई थी, सरकार पराभव में चली गई थी, कांग्रेस भी कमजोर थी, लेकिन क्या आप इस बात का धन्यवाद नहीं देंगे कि अशोक गहलोत की जी को जब राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस का बनाया गया और गुजरात का प्रभारी बनाया गया, इन्होंने घुटने टिकवा दिए बीजेपी के उन नेताओं ने, चंद सीटों का फासला रह गया सरकार बनने के अंदर, ये तो अशोक जी गहलोत की काबिलियत आप सब, मैं क्या मानूं, पूरा देश मानता है। गुलाब चंद कटारिया का कहना यह है कि खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट को दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं, जिससे ना रहेगी बात ना बजेगी बांसुरी। देखिए ऐसा है, पायलट साहब भाग्यशाली हैं, राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी, हार देखी। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके साथ ये अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ, तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें, अभी ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा। कटारिया साहब को कहो घर संभाल ले। नहीं, एक सर सवाल वही रह गया जो खंडेला जी ने अभी 2-3 दिन पहले इंगित किया था कि एक केवल राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है अशोक गहलोत, ये जो आज की बैठक है आपकी, आपका जो सदन है वो क्या मानता है? पूर्ण रूपेण हम जो महादेव सिंह जी ने जो कहा खंडेला जी ने, उसका पूर्ण रूपेण हम लोग समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात का। मेरे से पूरा राजस्थान कह रहे हैं, मेरे से ये क्वेश्चन किया गया था कि आप कांग्रेस के साथ हो अशोक गहलोत के साथ हो, तो मैंने ये कहा था कि मेरे चुनाव टाइम में हर मीटिंग में मैंने ये कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हूँ और कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे चुनाव प्रचार में कहा था। और आपने ये पूछा कि आप कांग्रेस के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत कांग्रेस के ही सीएम हैं, वो दूसरी पार्टी के सीएम नहीं है। जब वो कांग्रेस के सीएम है, हम उनके साथ हैं तो कांग्रेस के साथ ही हैं हम अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है और बहुत सॉलिड राज कर रहे हैं, आज 36 कौम के वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का बच्चा बच्चा उनको चाहता है, बहुत सुचारू रूप से राज चल रहा है और कोविड के टाइम में भी देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, कोविड का उन्होंने इतना बड़ा इंजाम किया है, इस प्रकार से सुचारू रूप से राजस्थान का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है और मैं हम सब के सब 13 के 13 उनके साथ है। सचिन पायलट को बाहरी मान लिया है, सचिन पायलट को आप बाहरी मान लिया है, क्या कहेंगे? रामकृष्ण मीणा जी ने तो बोल भी दिया है कि सचिन पायलट बाहरी है। ये सारे मसले राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करने हैं,
वो कर रहे हैं उसमें हमने हम सब लोगों की जितनी भी भावना थी वो आपके सामने एक प्रस्ताव के माध्यम से रख दी। आज आपको बैठक वहाँ से सर क्यों करनी पड़ी थी? वो खुशवीर सिंह जी की तबीयत खराब हो गई। सर आप 12-13 जितने आपने कहा मुख्यमंत्री का विवेक अधिकार है हमारे को मंत्री बनाया राजनीति में तो आप लोग नहीं लेंगे हम ही मंत्री बनाए ये नहीं कहा किसी ने ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे आप और हम नहीं करेंगे नहीं लेंगे मतलब ढाई साल तक आप और हम तय नहीं करेंगे ये वो डिसाइड करेंगे अगर वो नहीं बनाते तो आप हाँ कोई बात नहीं बनाए तो नहीं बनाए ढाई साल नहीं बनाए नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे आप एक चीज को समझते होंगे ना हम कोई साधु संन्यासी हम जस्ट लिसन मी हम राजनीतिक कार्यकर्ता और ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे किस कार्यकर्ता को कहां पर जिम्मेदारी देनी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब उनका भी वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा उनके आदेश की पालना होगी वो कहेंगे आपको एमएलए के रूप में ही काम करना है हम पहले भी करते आए हैं एमएलए नहीं थे तब भी करते आए हैं कार्यकर्ता के रूप में भी करते आएंगे वो जैसा आदेश देंगे हम करेंगे। संयम जी एक आखिरी सवाल है इंदिराज गुजर ने भी कहा है कि शेर आया है तो गीदड़ की तरह सब भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं शेर भी एक जानवर ही होता है। थैंक यू थैंक यू।